शिव जी की भक्त। उनका सारा जीवन वैराग्य, कर्तव्य पालन और परमार्थ की साधना का बन गया। भगवान शिव की वह बड़ी भक्त थी, बिना उनके पूजन के मुंह में पानी की बूंद नहीं जाने देती थी। सारा राज्य उन्होंने शंकर को अर्पित कर रखा था और आप उनकी सेविका बनकर शासन चलाती थी। संपत्ति सब रघुपति के आ ही, सारी संपत्ति भगवान की है। इसका भरत के बाद प्रत्यक्ष और एकमात्र उदाहरण शायद वही थी। राजाज्ञाओं पर हस्ताक्षर करते समय अपना नाम नहीं लिखती थी, नीचे केवल श्री शंकर लिख देती थी। उनके रुपयों पर शंकर का लिंग और बिल पत्र का चित्र अंकित है और पैसों पर नंदी का। तब से लेकर भारतीय स्वराज्य की प्राप्ति तक इंदौर के सिंहासन पर जितने नरेश उनके बाद में आए सबकी राजाज्ञाएं, जब तक की श्री शंकर आज्ञा जारी नहीं होती तब तक वह राजाज्ञा नहीं मानी जाती थी और उस पर अमल भी नहीं होता था। अहिल्याबाई का रहन सहन बिल्कुल सादा था, शुद्ध सफेद वस्त्र धारण करती थी, जेवर आदि कुछ नहीं पहनती थी। भगवान की पूजा, अच्छे ग्रंथों को सुनना और राजकाज आदि में नियमित रहती थी। निर्माण कार्य। रानी अहिल्याबाई ने भारत के भिन्न भिन्न भागों में अनेक मंदिरों, धर्मशालाओं और अन्य सत्रों का निर्माण कराया था। कलकत्ता से बनारस तक की सड़क, बनारस में अन्नपूर्णा का मंदिर, गया में विष्णु मंदिर उनके बनवाए हुए हैं। इन्होंने घाट बंधवाए, कुओं और बावड़ियों का निर्माण करवाया, मार्ग बनवाए, भूखों के लिए सदाव्रत अन्न क्षेत्र खोले, प्यासों के लिए प्याऊ बिठलाई, मंदिरों में विद्वानों की नियुक्ति शास्त्रों के मनन चिंतन और प्रवचन हेतु की। उन्होंने अपने समय की हलचल में प्रमुख भाग लिया। रानी अहिल्याबाई ने इसके अलावा काशी, गया, सोमनाथ, अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, द्वारिका, बद्रीनारायण, रामेश्वर, जगन्नाथ पुरी इत्यादि प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों पर मंदिर बनवाए और धर्मशालाएं खुलवाई। कहा जाता है कि रानी अहिल्याबाई के स्वप्न में एक बार भगवान शिव आए। वे भगवान शिव की भक्त थी और इसलिए उन्होंने 1777 में विश्व प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया। कुछ उदाहरण। एक समय बुंदेलखंड के चंद्री मुकाम से एक अच्छा धोती जोड़ा आया था, जो उस समय बहुत प्रसिद्ध हुआ करता था। अहिल्याबाई ने उसे स्वीकार किया। उस समय एक सेविका जो वहां मौजूद थी, वह धोती जोड़े को बड़ी ललचाई नजरों से देख रही थी। अहिल्याबाई ने जब यह देखा तो उस कीमती जोड़े को उस सेविका को दे दिया। इसी प्रकार एक बार उनके दामाद ने पूजा अर्चना के लिए कुछ बहुमूल्य सामग्री भेजी थी। उस सामान को एक कमजोर भिखारिन जिसका नाम था सिंदूरी, उसे दे दिया। किसी सेविका ने याद दिलाया कि इस सामान की जरूरत आपको भी है, परंतु उन्होंने यह कहकर सेविका की बात को नकार दिया कि उनके पास और है। किसी महिला का पैरों पर गिर पड़ना अहिल्याबाई को पसंद नहीं था। वे तुरंत अपने दोनों हाथों का सहारा देकर उसे उठा लिया करती थी, उनके सिर पर हाथ फेरती और धाधस बंधाती। रोने वाली स्त्रियों को वे उनके आंसुओं को रोकने के लिए कहती, आंसुओं को संभाल कर रखने का उपदेश देती और उचित समय पर उनके उपयोग की बात कहती। उस समय किसी पुरुष की मौजूदगी को वे अच्छा नहीं समझती थी। यदि कोई पुरुष किसी कारण मौजूद भी होता तो वे उसे किसी बहाने वहां से हट जाने को कह देती। इस प्रकार एक महिला की व्यथा, उसकी भावना को एकांत में सुनती, समझती थी। यदि कोई कठिनाई या कोई समस्या होती तो उसे हल कर देती अथवा उसकी व्यवस्था करवाती। महिलाओं को एकांत में अपनी बात खुलकर कहने का अधिकार था। राज्य के दूरदराज के क्षेत्रों का दौरा करना, वहां प्रजा की बातें, उनकी समस्याएं सुनना, उनका हल तलाश करना उन्हें बहुत भाता था। अहिल्याबाई जो अपने लिए पसंद करती थी, वही दूसरों के लिए पसंद करती थी। इसलिए विशेष तौर पर महिलाओं को त्यागमय उपदेश भी दिया करती थी। एक बार होलकर राज्य की दो विधवाएं अहिल्याबाई के पास आईं। दोनों बड़ी धनवान थी, परंतु दोनों के पास कोई संतान नहीं थी। वे अहिल्याबाई से प्रभावित थी, अपनी अपार संपत्ति अहिल्याबाई के चरणों में अर्पित करना चाहती थी। संपत्ति न्योछावर करने की आज्ञा मांगी, परंतु उन्होंने उन दोनों को यह कहकर मना कर दिया कि जैसे मैंने अपनी संपत्ति जनकल्याण में लगाई है, उसी प्रकार तुम भी अपनी संपत्ति को जनहित में लगाओ। उन विधवाओं ने ऐसा ही किया और वे धन्य हो गई। उपलब्धियां। अहिल्याबाई ने इंदौर को एक छोटे से गाँव से खूबसूरत शहर बनाया। मालवा में कई किले और सड़कें बनवाई। उन्होंने कई घाट, मंदिर, तालाब, कुएं और विश्राम गृह बनवाए, न केवल दक्षिण भारत में बल्कि हिमालय पर भी। सोमनाथ, काशी, गया, अयोध्या, द्वारका, हरिद्वार, कांची, अवंती, बद्रीनारायण, रामेश्वर, मथुरा और जगन्नाथपुरी आदि। मृत्यु। राज्य की चिंता का भार और उस पर प्राणों से भी प्यारे लोगों का वियोग, इस सारे शोक भार को अहिल्याबाई का शरीर अधिक नहीं संभाल सका और 13 अगस्त सन 1795 को उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। अहिल्याबाई के निधन के बाद तुकोजी इंदौर की गद्दी पर बैठा।